सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। 3 अप्रैल को झारखंड आदिवासी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में सरहुल पूजा की तैयारी को लेकर मोराबादी कुसुम विहार रोड नंबर 9 में कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर कर्मा उरांव ने किया। बैठक में सरहुल शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर 5 अप्रैल को मोराबादी तेतर टोली बरियातू में सभी आदिवासी संगठनों की वृहद बैठक बुलाई गई है, जिसकी समीक्षा की गई। यहां बात आस्था की भी है और वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण की, जो तेजी से फैल रहा है। शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव ने कहा कि सरहुल शोभा यात्रा निकालने का निर्णय नहीं बदलेगा, आदिवासी अपनी परंपरा संस्कृति बचाने के लिए शोभा यात्रा में जरूर शामिल होंगे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि सरहुल महोत्सव आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, गांव घर में इस दौरान उत्साह का माहौल होता है। केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय तिर्की ने कहा कि 5 अप्रैल को कांके पिठौरिया हटिया मोराबादी बरियातू ओरमांझी नामकुम अनगड़ा एवं अन्य जगहों से सरना समाज के लोग तेतर टोली मोराबादी बरियातू में एकजुट हो रहे हैं, जिसमें सरहुल शोभा यात्रा भव्य रूप से मनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। 15 अप्रैल को जो शोभा यात्रा जो है धूमधाम से निकलेगी, इसकी तैयारी की बैठक हम लोग हरेक टोला माला पूरे झारखंड के लोगों को 5 तारीख को हम लोग एक बैठक बुलाई। सरहुल महोत्सव आदिवासियों का महान पर्व है और इसको लेकर आदिवासी सरहुल के दिन में काफी हर्षोल्लास के साथ में मनाते चले आ रहे हैं। विगत 70 वर्षों से सरहुल शोभा यात्रा का जो कार्यक्रम है वो चलता रहा है और कोविड के चलते पिछले साल सरहुल शोभा यात्रा नहीं निकाला गया, लेकिन इस वर्ष आदिवासी समाज ने ठाना है कि आदिवासियों की परंपरा संस्कृति को जीवित रखने के लिए सरहुल शोभा यात्रा निकालना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि शोभा यात्रा हम लोग नहीं निकालते हैं तो आने वाले समय में आदिवासियों की जो परंपरा संस्कृति नष्ट होने के कगार पर पहुँच जाएगी। इसीलिए आदिवासी अपने परंपरा और संस्कृति को बचाने के लिए सरहुल शोभा यात्रा निकालने का मन बना चुकी है, क्योंकि आज आदिवासी अपना धार्मिक पहचान सरना कोट के लिए अपना अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यदि ऐसे आयोजन नहीं होगा तो आने वाले दिन में आदिवासियों का जो अस्तित्व और नामो निशान खत्म हो जाएगा और जो अपनी पहचान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं जब अपनी पहचान ही मिट जाएगी तो फिर आदिवासियों को जो सरना कोट की लड़ाई अधूरी होगी। इसीलिए सरहुल शोभा यात्रा के माध्यम से हम अपने संस्कृति अपनी पहचान को बचाए रखेंगे, इसलिए हम लोग शोभा यात्रा जरूर निकालें। हमारे आदिवासियों के महान पर्व सरहुल है 15 अप्रैल को, उस 15 अप्रैल की सरहुल की शोभा यात्रा की तैयारी के लिए हम लोग ये बैठक कर रहे हैं और आज जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कोर कमेटी की बैठक है। ये कोर कमेटी ही आगे तय करेगी कि शोभा यात्रा हम लोग को किस तरह से निकालना है, कितने लोग इस पर जुटेंगे, इन सभी बातों को ये कोर कमेटी तय करेगी। और आज हम लोग ये तैयारी में हैं कि 5 तारीख जो है 5 अप्रैल को एक अहम बैठक है, जिसमें हम लोग विभिन्न अखाड़ों के लोग, विभिन्न सरना समिति के लोगों को, विभिन्न गांव के अगुवाओं को, नेतृत्वकर्ताओं को हम लोगों ने 5 तारीख को बुलाया है और उस 5 तारीख को हम लोग तय करेंगे कि शोभा यात्रा कितने धूमधाम से हम लोग निकाल जुलूस नहीं निकालते हैं तो हमारा परंपरा रीति रिवाज सब मने खत्म हो जाएगा। इसलिए हम और सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी सरकार है, हमने ने तो आदिवासी समाज ऐसा लगा कि अब हमारी राजपाट हमारी सरकार आ गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार ये नहीं है, इसलिए हमारी बात नहीं सुना जा रहा है। अगर जुलूस नहीं निकालना होता तो सरकार हमसे वार्ता करती, सरकार हम लोग को बुलाती, सरकार कहती कि भाई इस तरह के ऐसा है वैसा है कोरोना है क्या है, इस तरह का हम लोग कोई गाइडलाइन देते तो हम लोग को लगता कि हमारी सरकार है, ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार ये नहीं। वहीं आदिवासी जन परिषद की बैठक केंद्रीय कार्यालय में प्रेमशाही मुंडा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक का संचालन उपाध्यक्ष उमेश लोहरा ने किया। इस बैठक में सरहुल महोत्सव मनाने और संगठन को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई। हम चाहते हैं हमारे जन परिषद के माध्यम से कि हम लोग इस बार शोभा यात्रा में शामिल न हो मात्र, जैसे कि जहाँ जहाँ पूजा स्थल है सरना स्थल है खाड़ा है वहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करें सरहुल मनाएं, लेकिन ये कोरोना महामारी से अगर बचना है तो हम लोग ये शोभा यात्रा में न शामिल हो, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ होती है,
कई जगह के लोग आते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ते जाता है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि सरहुल एक झारखंड का नैसर्गिक उत्सव है। हम कितने भी बलवान या धनवान हो जाए, प्रकृति से बड़े नहीं हो सकते। आदिवासी जन परिषद के प्रधान महासचिव अभय भूट कुंवर ने कहा कि सरहुल महोत्सव आदिवासियों का एकता एवं प्रतिबद्धता का सूत्र है और आदिवासी धार्मिक विशेष को बल देता है। सरहुल जरूर मनाए पर आदिवासी समाज को सुरक्षित रखते हुए मनाए। कोरोना महामारी को देखते हुए सरहुल का जो शोभा यात्रा में शामिल है, लेकिन सरहुल पूरे धूमधाम से मनाएंगे। सरना स्थल में, पूजा स्थल में, जहारथान में, देशावली में और मिलन समारोह भी करेंगे, ताकि एक पूरे दुनिया में एक संदेश जाए कि आदिवासी समाज शांतिप्रिय है और धर्म और प्रकृति के नज़दीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि आदिवासी समाज जब धर्म नहीं थे, जब ईसा मसीह नहीं थे, जब राम नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं थे, उससे पहले भी हमारा बहुत, कोई लोग कहता है करना है, कोई लोग कहता है नहीं करना है, लेकिन इसको देखते हुए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं सरहुल के संदर्भ में कि 3 दिन का राजकीय अवकाश घोषित की जाए और इसको राजकीय पर्व भी घोषित की जाए, क्योंकि सभी लोगों को छुट्टी मिलती है, लेकिन हमारा आदिवासी पर्व त्यौहार में मात्र 1 दिन मिलता है। मैं मांग करना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री से कि हमारी छुट्टी 3 दिन के लिए। आदिवासी जन परिषद के महिला मोर्चा की अध्यक्ष शांति सेवैया ने कहा कि एक तरफ सरहुल है तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी। इस विकट स्थिति को देखते हुए हमें सिंगबोंगा और धर्मेश के विश्वास पर मानव सभ्यता को बचाते हुए सरहुल मनाना होगा। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।